संजय दत्त जी हाँ दोस्तों, ये अब अधीरा बन चुके हैं, वो भी KGF चैप्टर 2 के लिए, जिसके लिए उन्हें 1.5 घंटे तक मेकअप करना पड़ा उनके लुक के लिए। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर एंड तक अधीरा के कैरेक्टर में उन्होंने बहुत ज्यादा जी जान लगाकर मेहनत की और बॉडी डबल भी नहीं यूज किया। आपको जिनको पता नहीं हो, बॉडी डबल वो होता है जो ज्यादातर एक्शन सीन्स करता है लेकिन चेहरा बाद में हीरो का आता है, यानी कूदी मारेगा वो, लास्ट में दिखाएंगे हीरो को। एनीवेज बॉडी डबल यूज नहीं किया और हेल्थ के जो कंडीशन में थे आपको पता ही है संजू बाबा, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रशांत नील की जमकर तारीफ की और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने तारीफ में जो शब्द कहे वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रशांत नील का जो डायरेक्शन है वो काफी हटके है, काफी अलग है और उनके साथ काम करके मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ। बहुत ही चीजों में उन दोनों की एनेक्डोट मिले, यानी कि बहुत सारी चीजों में उनके माइंडसेट काफी मिला। और यही नहीं कही, यही इसके अलावा एक और चीज जो उन्होंने कही उसने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने ये कहा संजू बाबा ने कि उन्होंने प्रशांत नील से काफी कुछ इस फिल्म के दौरान सीखा है। और एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि भाई ये टीजर ने धमाल किया है लेकिन ये मेकर्स बड़े खतरनाक है इसके सच में, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने अधीरा का फर्स्ट प्रॉपर लुक तक नहीं दिखाया है हमको, बैक साइड का सिर्फ टीजर में दिखाया है तलवार के साथ। और यानी कि बोलते ना सबसे बेस्ट पार्ट अभी तक KGF के मेकर्स ने छुपा कर ही रखा है ब्रो, और वो ट्रेलर में आया KGF ट्रेलर में तो और खतरनाक आंधी चलेगी। ये तो यश को दिखा है सिर्फ गोली मारते हुए इनको उनको कि अधीरा वर्सेस रॉकी किधर है, राइट है ना, सेंस है भाई, सेंस है, मानना पड़ेगा प्रशांत नील उनकी टीम को। सो यू विल वॉच इट ऑन व्हेन द ट्रेलर विल शाइन, बट करेंटली इट इज शैटरिंग रिकॉर्ड्स ऑन यूट्यूब KGF चैप्टर 2 टीजर। और प्रशांत नील के बारे में जो तारीफें की, जो चीजें कही, जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। एंड सी द डायरेक्टर इज ऑलवेज ए पर्सन, मेरे को जो लगता है वो बहुत ही संजीदा रहता है अपनी फिल्म को लेकर, वो दुनियादारी कुछ नहीं सोचता, सिर्फ अपनी फिल्म पर, उसकी फिल्म उसकी आत्मा या उसकी दुनिया होती है। सो इस तरह का पैशन प्रशांत नील में है और वो दिखता है, इज वेरी आई मीन वेरी इन टू द करेक्टर, राइट है ना, अपनी चीजों में बहुत ही पैशनेट है, मतलब फिल्म मेकिंग का जो पैशनेट बंदा है वो ही ये चीज कर पाता है। और प्रशांत नील की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं तो मैं एक और बात कह दूं जो मुझे हेटर्स को कहनी है। भाई देख, कई लोगों ने कहा कि टीजर को इतने व्यूज मिल गए, उतने व्यूज मिल गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, होशियारी की, इंग्लिश में टीजर रिलीज किया, ऐसा किया, वैसा किया। मेरा ऐसा मानना है आखिर उन्होंने भी वही चीज की जो बाकी फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं। तो KGF सबसे ऊपर निकल के क्यों आई, उसका रीजन ये था क्योंकि KGF के मेकर्स ने दिन रात पसीना बहाया है और फिल्म का जो एक पैशन होता ना वो किया है, पैसा कमाने के लिए नहीं सोचा, फिल्म बनाने के लिए सोचा। ये बड़ा फर्क है और इसलिए हर चीजें टॉप नॉच है। और जब इतनी बड़ी चीज बनानी होती है साल दो साल का वक्त लगता है, उसके पीछे की मेहनत आप नहीं जानते ब्रो, इसलिए आप ये बात कह रहे हो। चलिए फल कितना है।